दादिया? हाँ दादिया बोलिए। इमली, छुटकी घर लौट आई है। छुटकी लौट आई है? वो ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। ले इसे ही सुन ले। इमली और अगस्त्या छुटकी यानी शिवानी को ढूंढते ढूंढते सब जगह घूम रहे होते हैं और तभी इमली का फोन का घंटी बजता है और उधर दादी इमली को वो खुशखबर देती है कि छुटकी घर वापस आ गई है और फिर स्पीकर फोन पे फोन करते हुए इमली को बोलती है कि वो खुद ही पूछ ले छुटकी से कि वो कहाँ रह गई थी रात भर। और फिर छुटकी पहले तो माफी मांगती है और फिर बताती है कि वो रात में अविनाश के साथ तो चली गई थी पर कोई बात पर दोनों की लड़ाई हो गई थी तो वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। और जब अगस्त्या पूछता है कि क्या उसे ये बात घर में नहीं बतानी चाहिए थी तो चुटकी बोलती है कि अविनाश और अगस्त्या के बीच की झगड़ा की वजह से वो उसे बहुत स्ट्रेस हो गया था। पर कुछ भी हो अब छुटकी तो मिल गई है और अगस्त्या और इमली को जल्द घर वापस आने के लिए बोलती है दादी। पर दोनों जाएंगे कैसे? अगस्त्या की गाड़ी तो हो गई है खराब और इमली तो साइकिल पर सवार होती है। और अब जहां अपने सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलकर भेज देती है इमली, अब सब यही चिंता जताते हैं कि आखिर अब अगस्त्या कैसे जाएंगे वापस घर। और तभी एक प्यारी सी बातचीत होती है इमली की साइकिल को लेकर, जहां इमली अगस्त्या को बोलती है कि वो साइकिल चलाएगी और अगस्त्या पीछे बैठेंगे क्योंकि उसके बाबू से ये सब नहीं हो पाएगा साइकिल चलाना। पर अगस्त्या तो इमली को अपने हाथों से कैद कर लेता है और साइकिल पर सवार खुद होता है इमली को लेकर और प्यार से कहता है कि अभी इमली को नहीं पता कि उसे और क्या क्या करना आता है और चल पड़ते हैं दोनों। तो अब आखिर सुधरते रिश्तों के बीच एक बार क्या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से अगस्त्या और इमली के बीच फिर एक दूरी बन जाएगी। देखते रहिए इमली की आने वाली अपडेट्स में। मुझे क्या क्या आता है तुम्हें अभी आइडिया नहीं है इमली। चले